आज से कुछ दिन पहले आपके किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने आपको एक ऐसा पानी दिखाया हो जो ऐसे ब्लू कलर का हो, है ना, जिसको कैंगन वाटर बोल सकते हैं, जिसको आप आयनाइज वाटर बोल सकते हैं, जिसको आप अल्कलाइन वाटर बोल सकते हैं। तो अगर आपने कुछ टाइम पहले ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई डेमो देखा हो जिसमें आपका पानी ब्लू हो जाता है ये डालने से, तो वो आपका कैंगन वाटर को बताया जाता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट बताए जाते हैं, ठीक है। तो आप जो पानी पी रहे हो वो आपका ग्रीन या येलो होगा, पर वो जो मशीन पानी निकालती है वो पानी ब्लू हो जाएगा इस टेस्ट के ज़रिए। तो जैसे कि अगर आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि क्या पानी सचमुच में बीपी, शुगर्स जैसी काफ़ी सारी जो लाइफस्टाइल वाली डिजीज है उससे हमें बचा सकता है, तो इस टॉपिक में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने डेमो देखा है तो आपको बहुत सारे रीजन ज़रूर दिए होंगे इस पानी को पीने के लिए, पर फिर भी आज मैं जिस पानी की बात कर रही हूँ, ये कैंगन वाली मशीन का पानी तो नहीं है, पर ये अल्कलाइन वही कैंगन वाटर है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो जो नाम होता है कंपनीज का वो अलग होता है, ठीक है। एनर्जी कैंगन हो सकता है आपने डेमो देखा हो या फिर किसी और कोरियन कंपनी का देखा हो, पर ये इंडियन वाटर एनर्जर का ही वाटर है, अल्कलाइन वाटर है या आयनाइज वाटर है, या आप इसको स्ट्रक्चर वाटर बोल सकते हैं, काफ़ी सारे नामों से इसको जाना जाता है। माइक्रो क्लस्टर पानी इसको ज़्यादा जाना जाता है, इसमें हाइड्रोजन है, इन सब चीज़ों से इसको जाना जाता है। तो रीज़न यही है कि बहुत टाइम पहले लोग नहीं बीमार पड़ते थे क्योंकि खाना पीना हवा तीनों चीज़ अच्छी थी, और अभी जब बताया जाता है कि 70% पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो 70% पानी को अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो आप सचमुच में सब डिजीज़ से बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हो। क्योंकि जहाँ तक पानी का सवाल है, अगर वो ये वाला पानी पीते हो तो क्या होगा, जो आप अच्छी डाइट भी लेते हो तो वो भी बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब होगी, और 70% 80% चांस रहते हैं कि आपको ये सब बीमारियाँ जो कि बिना कारण की बीमारियाँ हैं, ठीक है, पूरी ज़िंदगी भर आपको परेशान करती है, यहाँ तक कि ये जेनेटिक भी होती हैं, अगर आपको भी तो आपके बच्चों को भी हो सकती है, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी का कमाया हुआ सारा पैसा इस बीमारियों पर चला जाता है। तो आप जेंट्स हो या लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, जब पानी ऐसा हम पी रहे हैं जो कि अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो कई बार सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार गठिया हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी खुल के बनाए हैं, जैसे शुगर पे, बीपी पे, और ये कैंसर की बात, तो कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स की बात भी वो नहीं होता है, पर जो उसका रीज़न है कि हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा केमिकल जा रहा है जिसकी वजह से जो हमारी कोशिकाएँ हैं वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। पर कुछ हद तक अगर हम उसको एसिडिक होने से बचाएं तो उसको कम किया जा सकता है, इसलिए मैंने उसको कैंसर को भी उसके अंदर लिखा। और क्योंकि हमारी मशीन पूरी तरीके से इंडियन मशीन है और वो सभी काम करती है जो कि एनर्जी कैंगन कर रही है या फिर कोई फॉरेन कंपनी कर रही है, किसी भी ब्रांड की वो आयनाइजर कंपनी कर रही है। इंपॉर्टेंट है पानी का आयनाइज होना, ठीक है, क्योंकि वो केमिकलाइज नहीं होता है। और मैं बताऊँ, जैसे कि एनर्जी कैंगन के अंदर 11.5 pH को बनाने के लिए थोड़ा केमिकल यूज़ किया जाता है, पर हम लोग 11.5 pH नहीं देते हैं, हम 10.5 pH तक देते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि 11.5 pH भी आपको हम बिना केमिकलाइज करके दें, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 8.5 से 9.5 pH का पानी, आपके लिए वही ज़रूरी है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं कि इतने सारे बटन से इसके अंदर क्या सारे पानी हम पियेंगे, हम तो नॉर्मल एक सिंपल सा पानी पीना चाहते हैं। तो आप सिंपल सा पानी 8.5 pH का पीजिए। अगर आपको ऑलरेडी शुगर है, बीपी है, ये सब बीमारियाँ जो मैंने आपको दी हैं, कोई भी बीमारी है, तो आप 9.5 पीजिए, कुछ दिन बाद उसको आपको लगता है कि जैसे वो ठीक हो रही है, रिकवर हो रही है, तो आप उसको 8.5 पर आ जाइए, ठीक है। और रही अब लोग बात करते हैं कि लोग अपनी अपनी चीज़ों की सब तारीफ़ करते हैं, देखिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ हर मशीन की, चाहे वो किसी भी ब्रांड की है, चाहे वो किसी भी देश की है, पर क्योंकि हम इंडियंस हैं तो अपने इंडियंस बिजनेस को प्रमोट जरूर करना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिडिल क्लास फैमिली रहती है, और कई बार प्राइस के इशू की वजह से वो पानी या मशीन को कैरी नहीं कर पाते हैं, वो ख़रीद नहीं पाते हैं। तो अगर आप एक अच्छे प्राइस पे एक बहुत अच्छी मशीन, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने इसको अपने घर में यूज़ किया हुआ है, तो पहले मैं कंज्यूमर ही थी, उसके बाद ही मैंने इसको रेफर करना स्टार्ट किया, इसके बिज़नेस करना स्टार्ट किया है, तो आप इसको यूज़ करिए। यूज़ करने वाला जो रिव्यू होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि झूठे रिव्यूज़ तो हम लोग कितना भी डाल सकते हैं, पर बेस्ट रिव्यू तब आपको मिलेगा जब आप उसको खुद यूज़ करोगे, आप खुद फ़र्क महसूस करोगे, ठीक है। और
मेरी तरफ से बस यही विशेष है कि आने वाली कोई बीमारी या फिर अब जो भी बीमारियां चल रही हैं उससे हम अपने परिवार को जितना हो सके उतना सुरक्षित कर पाएं, है ना। हम हमारे एक घर के अंदर बहुत सारी लग्जरी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, पर उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ, और बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम अच्छा खाना पीना खाएँ, अच्छी हवा लें, अच्छा पानी हम पिए। बस इसी कोशिश के साथ ही वीडियो मैंने आपको आपके लिए बनाया था। अगर आप सोच रहे हो अपने किसी भी महंगी मशीन का डेमो देखा है, महंगी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोगों को डेमो पसंद आता है पर प्राइस की वजह से वो पीछे हट जाते हैं, तो आप हमारी मशीन को परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई भी कमी नहीं है, ना प्लेट्स की कोई कमी है, ना ही रिजल्ट्स की कोई कमी है। बस फ़र्क इतना है कि हमारी मशीन इंडियन है और एक ट्रेडिशनल बिजनेस की है, उसमें कोई भी नेट मार्केटिंग नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए ये मशीन आपके काम आती है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता।